व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम अपने मन पे करना चाहिए। पांच साल से 15 साल तक आपके सामने कोई चुनौती नहीं थी, 15 साल के बाद आपकी जीवन में, हमारे जीवन में एक चीज शुरू होती है, उस चीज का नाम है चुनौती, चैलेंज। तभी तो रश्मि रथ में एक स्टैंजा है पूरा, आप सबको वो पढ़नी चाहिए। आप राजा बनना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं दुनिया में, तो रश्मि रथ की वो लाइनें इतनी कीमती हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा मतलब धरती, इसका नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? सिकंदर की बात हो रही है। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? भगवान श्री कृष्ण। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? भगवान बुद्ध। अब सोचिए, कवि खुद सवाल कर रहा है, वसुधा का नेता कौन हुआ क्वेश्चन मार्क, भूखंड विजेता कौन हुआ क्वेश्चन मार्क, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ क्वेश्चन मार्क, नवधर्म प्रणेता क्वेश्चन मार्क। कभी क्वेश्चन कर रहा है, जो आपका क्वेश्चन है उसको वो कर रहा है। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्न मतलब चैलेंज, जिससे आप भाग रहे हो। और आप भाग क्यों रहे हो? क्योंकि आपने मन को अपने जीवन से बाहर, आप उसको साइडलाइन करते हो। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। अब आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, आप गौर से देखो, 50% लोग जो यहां खड़े हैं मिडिल क्लास के होंगे, अगर बहने हैं घर में तो उनका विवाह करना है, आपको नौकरी लेनी है। अब आप गौर करो, एक बहुत भयंकर चीज आपके जीवन में आनी शुरू हो चुकी है, चुनौती। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। कैसे? मन को मरोड़ते हैं पल पल। आप देखो कितने परेशान रहते होंगे, अनरेस्ट में रहते होंगे, मन नहीं लगता होगा, गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा होगा, ये सब चीजें शुरू हो चुकी होंगी। अगर आप अपने जीवन को इंट्रोस्पेक्ट अभी करो, ये वही दौर है आपका, सब इससे गुजरते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल। आप सोचो, जब आप 4-5 लोग रहते हो तो आप रिलैक्स रहते हो, जैसे आप अकेले होते होगे आपको बेचैनी शुरू हो जाती होगी। ये चीज इस यहां जितने लोग खड़े उसमें से 80% को होता होगा, गारंटी। आपको बेचैनी, आप चाहते हो कि बाहर निकल जाए, अकेले ना रहे, नींद रात में नहीं आएगी। तो आप कहोगे कि रात भर में पढ़ता हूं, जब पलटते पलटते थक जाते होगे तब सुबह नींद आती होगी। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को। कहीं बीमारी हो गई, कहीं पेट में दर्द हो गया, किसी को माइग्रेन होगा, आजकल के सबसे बड़ा रोग माइग्रेन है। माइग्रेन इसीलिए कि सपने भी बड़े हैं और चुनौतियां भी बड़ी हैं, और दोनों में लड़ाई चल रही है कि इस देश की सबसे बड़ी विधा है ध्यान। ध्यान मतलब यह नहीं कि आंख बंद करके 3 घंटे लेटे, उसे हरामखोरी है। ध्यान मतलब देखना, अपने आप को देखना। उसमें एक प्रक्रिया है। भारत में बड़े सारे सेंटर्स हैं, विपासना के सेंटर्स हैं। बुद्ध ने यह खोज की थी इस विधि की, विपासना की। विपासना का मतलब होता है आन पान सत्य, अपने आप सांसों को आते जाते हुए देखना। आप जब भी परेशान हो इस ट्रिक को लगाइएगा, अपनी सांसों को देखिएगा। आपका मन क्या है यह आपको नहीं पता, विचार कहां से आते हैं यह आपको नहीं पता, और विचार कौन से आएंगे यह भी आपको नहीं पता। यह तुम्हारा मन ही तो है, विचार फेंक देता। तुम बैठे हो और विचार कब फेंकेगा? जब पढ़ने बैठोगे तब। तुम पूरे दिन घूमो, ये तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जैसे तुमने किताब खोली,
एक विचार फेंक देगा, सीतापुर वाली बुआ पापा से मकान में हिस्सा मांग रही। आपने कभी गौर किया इस इन बातों पे? नहीं किया होगा। ये ध्यान है उस विचार को देखना कि मांगने दो हिस्सा, मुझे पढ़ना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, विधायक भी बनना है, सब आईएएस ही बन रहे, विधायक कोई बनने को तैयार नहीं, सांसद भी बनना है और फिर बुआ जी का मकान कब्जा करना है। वही जो तुम्हें विचार दे रहा है उसको तुम पलट कर क्यों नहीं दे रहे हो वापस? तुम उसके प्रभाव में आ जा रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो, फिर वो तुम्हें अगले आधे घंटे नचा रहा है और तुम्हारा मन थक गया। मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, जोड़ लिया, कि आप सभी लोग ध्यान से जुड़ें। आप सारे लोग ध्यान और योग की शुरुआत करिए। यह रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, क्योंकि चुनौतियों से तभी लड़ पाओगे जब तुम्हारे अंदर ताकत होगी। मोटिवेशन एक उधार की चीज है जो मजदूरों के लिए होती है, इस बात को डायरी में लिख लो। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है।